अलवर जयपुर रोड में शराब ठेका खुलने को लेकर स्थानीय लोगों ने ठेके का विरोध किया और शराब ठेके के बाहर धरना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक शराब ठेका बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि जयपुर रोड पर जिस जगह शराब ठेका खुलने जा रहा है उस जगह से महिलाएं बालिकाएं निकलती हैं और आसपास स्कूल और मंदिर भी मौजूद हैं। ऐसे में शराब ठेका खुल जाएगा तो लोग शराब पीकर उत्पात मचाएंगे और लोगों का इस रास्ते से निकलना दूभर हो जाएगा। महिलाओं और बालिकाओं को मंदिर में आने जाने के लिए परेशानी होगी। शराब ठेका नहीं खुलने नहीं दिया जाएगा। रात के समय शराब ठेके के बाहर लोगों की भीड़ लगेगी और रास्ते के में जाम के हालात पैदा हो जाएंगे। आज ये ठेके खुलने की तैयारी चल रही है कल से ही, और कल से ही हम सब महिला इस पे बैठे हुए हैं। ये कॉलोनी है चोर डूंगरी बोधन कॉलोनी, और यहाँ पे मंदिर है, ये अपना मंदिर, और हमारे आसपास में मकान है, हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी पोतियां हैं, बहू हैं, बेटियां हैं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लग जाते हैं, गुंडागर्दी से होती है। हम इस धरने को जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, ठेका निरस्त नहीं होगा। ये क्या ठेका अभी खुल रहा है क्या? हाँ खुल रहा है, हम कल से बैठे हुए हैं, हम कल से नहीं खोलने दे रहे और हम खोलने तो नहीं देंगे जब तक हमारे पास इस चीज का नहीं आएगा कि ठेका नहीं खुलेगा। जब तक हम बैठे रहेंगे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, महीना लगे, 6 महीना लगे। कितने लोग धरने पे बैठे हैं आप? आज हम 10-15 बैठे और 20-25 बैठेंगे, 50 बैठेंगे, हजारों बैठेंगे, 10,000 बैठेंगे। मैं सतीश सैनी रहा हूँ। आज एक की पॉइंट है जहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, जहाँ पर आए दिन वैसी समस्या काफ़ी रही है ट्रैफिक की, और ये ठेका यहाँ खुल गया तो ये ट्रैफिक कितनी परेशान रहेगी, या बहन बेटियों को निकलना करना, बच्चों को निकलना करना घुसना बहुत एक आफत की जड़ हो जाएगी। और हम ये चाहेंगे कि ये ठेका नहीं खुले, ये आबकारी विभाग से और पुलिस प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। ठेका खुलता है तो आपका क्या विरोध रहेगा? हमारा विरोध ये रहेगा कि हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम आगामी कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देंगे और हम रोड जाम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी, यदि ये नहीं माने ना, आबकारी विभाग नहीं माना, ये पुलिस प्रशासन नहीं माना, तो कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन देके हम रोड जाम करेंगे। स्कूल और मंदिर कितनी दूरी पर है? यहाँ बहुत नज़दीक है सब चीज़ें, और यहाँ आसपास सारे मकान हैं, सब परिवार रहते हैं यहाँ, और ऐसी जगह पर ये चीज़ खुलती है तो ये प्रशासन के लिए बहुत नुकसान भी रहेगा और पब्लिक के लिए नुकसान रहेगा। किस लिए धरना दे रखा है आप लोगों ने यहाँ पर? धरना हमने इसलिए दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ठेका है जो आवंटन कर दिया गया है, बट हम उसके खिलाफ है क्योंकि यहाँ पे आमजन का घूमने रहता है हमेशा, और बूढ़े बुजुर्ग हमेशा सुबह शाम घूमते रहते हैं यहाँ पे, लेडीज जो है, बच्चे हैं, ट्यूशन व्यूशन जाने का रहता है, पास में स्कूल है, 100 मीटर के दायरे के अंदर मंदिर है यहाँ पे, यहाँ पे मतलब वैसे ही बिना शराब अपने ठेके की आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं, बट आम जन की सहायता से वो दंगे फसाद रोके गए हैं अपने उस पे दम पे। बट जब यहाँ पे सरकारी ठेका खुल जाएगा या ठेका खुल जाएगा तो यहाँ पे आम जीवन जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा और रोज दंगे फसाद होंगे, गाली गलौज लोग करेंगे यहाँ पे, और पूरा वातावरण गंदा दूषित होगा। तो हमारा आबकारी विभाग से, थानाधिकारी जी से, कलेक्टर साहब से सबसे ये निवेदन है कि ये ठेका इसके जो आवंटित किया गया है इसको निरस्त किया जाए और हमको यहाँ पे ठेका किसी भी हाल में नहीं खोलने देना है। हम गांधीवादी विचारधारा से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमेशा बस यही चाहेंगे कि कभी भी ना खुले यहाँ पे ठेका। हम जब ही उठेंगे यहाँ से, जब ये ठेका हो जाएगा भाई नहीं खुलेगा, चाहे 6 दिन हो जाए, चाहे 6 महीना हो जाए, लेकिन हम बैठे रहेंगे।